आईआईटी आईएसएम के पैनमेन सभागार में नेशनल इनोवेशन स्टार्टअप का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न शिक्षण संस्थाओं से आए बच्चों को स्टार्टअप के जरिए कैसे जॉब ओरिएंट बन सकते हैं इसकी जानकारी दी गई। आयोजक अरुण कुमार ने बताया कि स्टार्टअप के लिए कोई उम्र सीमा नहीं है, इसमें एक 10 साल का बच्चा और 80 साल के बुजुर्ग भी आ सकते हैं। स्टार्टअप एक आइडियाज से शुरू होता है, जिनके पास भी चाहे जिस भी क्षेत्र में आइडियाज है उन्हें बाहर लेकर उसे जॉब ओरिएंट बना सकते हैं। वह कृषि के क्षेत्र में हो या महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कहीं भी हो सकते हैं। आइडियाज इस तरह से हो जिससे कि उसे अपना कर कोई भी स्वरोजगार से जुड़ सके। वह आइडियाज समाज की बेहतरी के लिए हो जिसकी उपयोगिता समाज को आगे लेकर जाने की होनी चाहिए। एक्चुअली स्टार्टअप के ऊपर है, नेशनल लेवल का स्टार्टअप इवेंट हो रहा है पहली बार धनबाद में, खास करके आईएसएम में, जो ओपन फॉर ऑल है, सबके लिए, मतलब इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी वर्ग का, किसी भी मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन का आदमी आ सकता है, चाहे वो आईटी का हो चाहे बाहर का हो, कोई एज नहीं है। 10 साल का बच्चा भी आ सकता है, 80 साल का बुजुर्ग भी आ सकता है। तो इस इवेंट को इसलिए कराया जा रहा है ताकि स्टार्टअप जो है, जो गवर्नमेंट चाहती है, जो केंद्र सरकार चाहती है कि स्टार्टअप के थ्रू हम लोग नौकरियाँ जनरेट करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। कहीं ना कहीं अगर एम्प्लॉयमेंट की समस्या है तो अगर नए नए आइडियाज़ आएंगे किसी भी क्षेत्र में आएंगे तो क्या होगा, उससे उसका खुद का भी विकास होगा, समाज का भी भला होगा और देश का भला ऑटोमेटिक हो जाएगा। किस तरह का ये रोजगार का आइडिया, एक दो किसी भी क्षेत्र का, आप जिस तरह आया होंगे तो आप बताइए। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आपका, जैसे कि यहाँ पे एक साफ सफाई का आया हुआ है, योगा का आया हुआ है, आपका महिला सशक्तिकरण उस पर भी आया हुआ है, इसके अलावा कुछ आपका पॉल्यूशन के ऊपर भी आया हुआ है कि जैसे इन्वायरमेंट पोल्यूशन काफ़ी बढ़ रहा है, तो कुछ वो लोग एक नया, एक इनोवेटिव कुछ लेके आ रहे हैं जैसे पोल्यूशन को हम कम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ आइडियाज़ हैं जो मैं अभी, रिस्पांस कैसा मिल रहा है? रिस्पांस अच्छा मिल रहा है क्योंकि धनबाद में पहली बार, पहले तो बच्चों को पता ही नहीं था, हमने अलग अलग कॉलेजेस में जा करके, जो हमारा पूरा ग्रुप है, कॉलेजेस में जा करके हमने क्या किया, लोगों को जागरूक कराया। पहले तो कॉलेज प्रशासन को बताया, यूनिवर्सिटी को पहले बताया कि हम लोग ऐसा करें, यूनिवर्सिटी जो वीसी, सॉरी, जो क्या कहते हैं उसको, कोलांचल यूनिवर्सिटी को वीसी, उन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पांस किया। उन्होंने कहा कि पहली बार इस तरह कर रहे हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी उनके तरफ से हमें प्रोत्साहन मिला। तो हमने क्या किया, अलग अलग कॉलेज में जाके इवेंट कराया जहाँ बच्चों को हमने बताया कि अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं, विचार है जिससे आप एक कंपनी खड़ी कर सकते हो किसी भी क्षेत्र का, चाहे इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल का हो, कृषि का हो, विज्ञान का हो, ठीक है, कुछ आर्ट का हो, ठीक है, कुछ भी, सोशल हो, कुछ भी हो, तो बच्चे काफ़ी उसमें आए। अलग अलग कॉलेज में असिस्टेंट टीम कराया, बीआईटी में कराया, बीआईटी सिंधी हो गया, बलियापुर इंस्टीट्यूट में कराया, पीएमसीएच में कराया, अलग अलग इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट टीम कराया, पीकेरा में कराया। तो उससे क्या होगा, काफ़ी बच्चों के थ्रू आइडियाज़ आए, फिर उस बच्चों को हमने थोड़ा ट्रेन किया कैसे आप अपने आप को वहाँ प्रेजेंट कर सकते, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट के अधिकारी आएंगे, एमएसएमई आएगा, स्टार्टअप इंडिया आएगा, ठीक है, आईटी सेल वाले जो स्टेट गवर्नमेंट के लोग हैं वो आएंगे, आईएसएम के जो डायरेक्टर्स और जो चेयरमैन है वो आएंगे, वो आ चुके हैं हालांकि, तो उनके सामने आप प्रेजेंट करोगे तो प्रॉपरली सिस्टम के तरीके से जाओगे, आपका पीपीटी रहेगा, जब ये सब चीज़ें होंगी तब हो सकता है आपको अपने आइडिया को प्रेजेंट करने में आसानी होगी। तो हमने ये सब सारा चीज़ करवाया है, पूरा परिचय, अब बाकी अब उनकी किस्मत और उनकी मेहनत उनको कहाँ ले जाती है। अपना और मेरा परिचय हुआ कि मेरा नाम अरुण कुमार हुआ और हमारा एक स्टार्टअप ऑलरेडी रन कर रहा है धनबाद में, ठीक है, डिस्काउंट बाजार नाम है, और मैं अभी जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उनके साथ मिल करके इसको कर रहा हूँ ताकि